है मेरे प्यार दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए यार, हम लेकर आ चुके हैं ब्रेक टून फोटो एडिटिंग बैकग्राउंड करने वाले हैं कुछ। चलिए बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सो फाइनली गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, आ चुके हैं हम अपने टूल बीज एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से इस वाले इफेक्ट पे क्लिक करना है हमको। सिंपली से यहाँ से फिर से इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद हमको करना क्या है, तो यहाँ से ये चौथे नंबर वाले को ले लेना है। यहाँ सेलेक्ट कर कर यहाँ से फिर से हमको करना है कि आप यहाँ से मार्क्स दिखाई देगा, मार्क्स पर क्लिक करना है। यहाँ से इस पर क्लिक कर लेते हैं एंड इस पर क्लिक कर लेने के बाद अपने हेयर के ऊपर कुछ अप्लाई करेंगे। ऑलरेडी हेयर के ऊपर करना है गाइज, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी कर लीजिए। तो सो फाइनली गाइज, यहाँ से कर लेते हैं अब फोटो को डन। जैसे कि आप देख सकते हैं हो चुका है हमारा इस टूल बीज एप्लीकेशन में फोटो एडिटिंग। तो यहाँ से सेव कर लेते हैं फोटो को। यहाँ से सेव होने के बाद हमको यहाँ से थ्री डॉट वाला मोड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके इधर आना है हमको स्क्रॉल करके। तो यहाँ से हम लोग का रहा स्नैपसीड एप्लीकेशन। तो फोटो की स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर इम्पोर्ट कर चुके हैं। यहाँ से हमको टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट करके अपने फेस के ऊपर इसको कुछ अप्लाई कर लेना है। इधर ब्राइटनेस बढ़ा लेना है हल्का सा, अपने फोटो के हिसाब से आप लोग भी बढ़ा लीजिए। देखिए कुछ हम लोग यहाँ से इतना ब्राइटनेस इसका बढ़ा लेते हैं। इधर पूरा ब्राइटनेस बढ़ा लिए हैं। अब सिंपली करते हैं क्या है, तो यहाँ से हम लोग को करना क्या है, फिर से यहाँ से टूल बीज जब टूल्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ से टूल बीज जब लिख के टूल बीज में आना है। यहाँ से सेटिंग पे जाना है। यहाँ से इसको हम लोग को शार्पनेस को कुछ 61% बढ़ाकर यहाँ से डन करता है। फिर से टूल्स पे क्लिक करना है एंड फिर से यहाँ से हमको एमेनियम को कुछ बढ़ाना है एंड इसकी लाइट को 23% घटाकर कुछ हमको पूरा 50% कम कर लेना है। एंड यहाँ से करना क्या था, फिर से हमको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से डन कर देते हैं। यहाँ से डन कर लेने के बाद हमको करना क्या था, यहाँ से ये वाला शेयर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, शेयर पे क्लिक कर लेते हैं एक बार। तो शेयर क्लिक करके इसको फोटो को इंपोर्ट कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। जैसे कि देख सकते हैं आ चुके हैं अपने लाइट रूम अप्लीकेशन के अंदर। हमको पूरा फोटो हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें 39 दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक कर लेते हैं एंड पूरा फोटो आ जाएगा हम लोग का। तो सिंपली यहाँ से करना क्या है, यहाँ से ये वाला एक फिर सेट वाला दिखाई देगा भाई, इस पर टैप कर लेते हैं एक बार हम। इस पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से हमको करना क्या है, यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड थ्री डॉट पर क्लिक करके इसकी कॉपी सेटिंग कर लेना है। हम लोग को करना क्या है, तो पहले हम लोग को इसको 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 यस कर लेते हैं यहाँ से, और फिर यहाँ से करना क्या है, यहाँ से ये डन कर देना है। यहाँ से डन कर लेने के बाद यहाँ से बैक वाला डिलीट दिखाई देगा, यहाँ से बैक कर लेते हैं। क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। तो सिंपली हमको करना क्या है, तो फिर से हम लोग को वही करना है। तो यहाँ से थ्री डॉट एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से पेस्ट सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा, पेस्ट सेटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग का फोटो का लुक कितना बेहतरीन हो चुका है। अब सिंपली हमको करना क्या है, तो यहाँ से इस पर क्लिक करना है। शेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ शेयर के लिए शेयर पे क्लिक करके इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक कर लेने के बाद हमको फ़ोटो को करना क्या है, डायरेक्ट ऑटोटेक स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर इम्पोर्ट कर लेते हैं अपने फ़ोटो को।
यहाँ सब करते क्या है, हम लोग को यहाँ से लाइब्रेरिंग वाला ऑप्शन दिखा रहा है, लाइब्रेरिंग पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से इसकी इसको स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, तो यहाँ से हमको ये वाला ब्रश दिखाई दे रहा है, एंड सेकेंड नंबर दूसरा पे ब्रश है। यहाँ से इस पर सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं, एंड यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको स्मूथ पे कर लेते हैं। यहाँ जो स्मूथ दिखाई दे रहा है इस पर हम लोग को क्लिक कर लेना है, स्मूथ पे क्लिक करके यहाँ बैक आना है, एंड अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। जैसे कि मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, इधर देख सकते हैं, इधर कुछ इस टाइप तरीके से आप लोग भी अप्लाई कर लें। सो फाइनली दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो चुका है हमारा फोटो एडिटिंग। तब यहाँ से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही मेरे साथ फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। चलिए मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।